सुबह घर का दरवाजा खोलते ही सबसे पहले करें। यह काम करोड़पति भी होंगे करोड़पति। चलो आपको बताते हैं, थोड़ा सा जल भर कर रख ले और फिर अगली सुबह घर की दोनों चौखट पर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दीजिए। अगर आप गंगाजल प्रयोग में लेते हैं तो यह काफी शुभ होता है, और अगर गंगाजल ना ही हो तो कोई बात नहीं, आप साधारण जल का भी उपयोग कर सकते हैं। इस उपाय के करने से घर की पवित्रता बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, और आप जल्द ही बन जाएंगे। मुख्य दरवाजे पर लगाइए और हर बृहस्पतिवार इसे बदले। यह उपाय करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और आप जल्द ही बन जाएंगे करोड़पति। यह तीन लोग काला धागा कभी मत पहनना, वरना आपको असफलताएं झेलनी पड़ेगी। अपने जरूर देखा होगा कि कुछ लोग अपनी कलाई पर या गले में काला धागा पहने रहते हैं। यह लोग यह तक नहीं जानते कि काला धागा उन्होंने क्यों पहना है और इसे किसे पहनना चाहिए और किसी नहीं। अधिकतर लोग मानते हैं कि काला धागा पहनने से नजर नहीं लगती, लेकिन हमेशा याद रखना, इन राशियों के लोगों को भूलकर भी काला धागा पहनना तो दूर छूना भी नहीं चाहिए, तो तुरंत इसे उतार देना, वरना आपके जीवन में कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। मगर हनुमान जी के भक्तों पर किसी भी राह का कोई असर नहीं होता। अगर आप 1% भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर विश्वनाथ को कर दीजिए। महिलाओं के तीन तरह से सोने से पति बर्बाद होता है और घर में गरीबी आती है। वीडियो नंबर 1, स्त्री को अपने बाल खुला रखकर अकेले कभी नहीं सोना चाहिए। महिलाएं अपने पति के साथ बाल खुला रखकर सो सकती हैं, लेकिन अकेले होने पर बाल खुले ना रखें। स्त्री को कभी उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। इस दिशा में सिर करके सोने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एक स्त्री को हमेशा अपने पति की बाईं ओर ही सोना चाहिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 3 को कभी पति के बाद नहीं जागना चाहिए। पति के बाद जैन वाली स्त्री के घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। हाथों से प्रसाद का गिर जाना एक बड़ा अपशगुन है। प्रसाद गिर जाने पर उसे तुरंत उठाकर माथे से लगा लेना चाहिए, और अगर आप इसे नहीं खाते हैं तो जल में प्रवाहित कर दें या किसी गमले में डाल दें, ताकि प्रसाद का अपमान ना हो। प्रसाद को ईश्वर के आशीर्वाद और देने वाले की शुभकामना के तौर पर जाना जाता है। दुखी इंसान के अंदर होती है यह 4 बातें। नंबर 1, जो इंसान अंदर से दुखी होता है उसे सोना बहुत पसंद होता है। नंबर 2, दुखी इंसान ज्यादातर अकेले में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और उन्हें अकेला रहना अच्छा लगता है। नंबर 3, दुखी इंसान बिना बात के हंसता रहता है और उन्हें किसी की बातें बुरी भी नहीं लगती। नंबर 4, दुखी इंसान किसी के सामने काम बोलता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसे समझने वाला कोई नहीं है। है शेयर करो ऐसे की इंसान को। जो महिलाएं रात्रि के समय यह 2 काम करके सोती है उन्हें कभी भी बुरे सपने नहीं आते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से काम करने से बुरे सपने नहीं आते हैं। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लायक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं, जब भी महिलाएं रात्रि के समय बिस्तर पर सोने के लिए जा रही हो तो उन्हें अपने हाथ पैर धोकर रात्रि में सोना चाहिए। शगुन शास्त्र में ऐसा बताया गया है। जो महिलाएं दूसरी बात, रात्रि के समय कभी भी झूठ मुंह नहीं सोना चाहिए कि आपने कुछ खाया है और उसके बाद आपने अपनी नहीं पिया है तो आपके पूरे सपने अवश्य आएंगे। इसलिए कुछ भी खाएं उसके बाद पानी पीकर ही भगवान का नाम लेकर सोना चाहिए, इसलिए आपको पूरे सपने नहीं आएंगे।